हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ओहो, चारों तरफ फ्रेंड हरियाली हरियाली है फ्रेंड, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड मैं अभी नहा कर आई हूँ, हेयर वॉश किया, बिकॉज ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा गंदगी थी, सीरियसली। तो मैं वीडियो नहीं बना पाई उस कल के लिए, कल के ब्लॉग में। और हाँ, थोड़ा सा अंधेला भी आ रहा था, तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गाँव में लाइट का इशू रहता है। तो आज ही मॉर्निंग हुआ है, मौसी बना रही है पोहा, और देसी पोहा है। तो चलिए आइए देखते हैं मौसी किस तरह का पोहा बनाती है, और उसकी रेसिपी बना चुकी है शायद, रेसिपी फिर किसी और दिन दिखाऊंगी, लेकिन बनता किस तरह है पोहा एक्चुअल में वो बताऊंगी। तो फ्रेंड अभी हम लोग जा रहे हैं दिखाने, चलिए आइए पोहा दिखाने। ये देखिए मौसी क्या बना रही है, ये है पोहा, देख सकते हो ना। और ये है देसी पोहा है, इनको इनके यहाँ मतलब जो चूरा होता है ना, इन्होंने अपने घर में कुटवाया है और फिर इसे कुटवा कर बनाया हुआ है। ये देखिए, ये हमारी प्यारी मौसी जी अभी एक बनाएगी खाना, ये देख सकते हो आप पोहा। फिर इसके बाद हम आप डिस्कशन करते हैं कैसे बना ये पोहा चूरा, एक्चुअली में इसे चूरा बोलते हैं गाँव में। ये देखिए फ्रेंड, आंगन में हमने मैट डाल दी है, अब यहाँ पे हम लोग बैठकर आराम से धूप लेंगे और फिर बैठेंगे। ये देखो चारों तरफ मौसी पेड़ लगाई हुई है, ये देखो। और ये देखिए नाश्ता आ गया, और ये रही चाय, और ये रहा पोहा। चलो अब हम लोग जा रहे हैं पोहा खाने। कौन कौन है? मौसी है, सुहानी है, ये शिवानी बैठी हुई है, और मौसी का एक बेटा भी है, वो बैठा हुआ है चेयर पे, बाकी आप मुझे तो जानते ही होंगे। और ये देखिए फ्रेंड, ये मौसी यहाँ पर पोहा और चूरा बोलते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए कैसे दरा कर रखी हुई है, अभी टंकी में और भर कर रखी हुई है। हमारे शहरों में पैकेट में बंधा हुआ आता है जो बनकर, और ये ओरिजिनल यहाँ पर दराते हैं। और चलिए ये पूछते हैं मौसी से कैसे ये बनता है। तो फ्रेंड चलिए आइए मौसी से पूछते हैं इनके यहाँ ओरिजिनल चूरा और पोहा कैसे बनता है। तो मौसी चलो बताओ कैसे बनता है तुम्हारे यहाँ पोहा और चूरा। हम लोग धान को पहले फुलाते हैं। हाँ, 3 दिन फुलाते हैं उसको। तीन दिन फुलाने के बाद उसको धुल के, किसी बर्तन में फुलाती हो बड़े से? हाँ, टप में फुलाते हैं। हाँ। टप में फुलाने के बाद उसको हम 3 दिन भीगा रहने देते हैं। हाँ। उसके बाद उसको निकाल के, अच्छा, धुल के भिजा देते हैं मशीन में। अच्छा, वहाँ से कुट के आ जाता है। देखिए फ्रेंड, ये है ओरिजिनल टेक्निक इनके घर की। 3 दिन तक इन्होंने धान को फुलाया, और फिर क्या करते हैं, फिर मशीन में भिजवा देते हैं, बोरी ओरी में जो भी है जिसमें है, और वहाँ से कुट कर आ जाता है। तो फिर इन लोगों के यहाँ टंकी में पोहा रखा रहता है, तो सोचिए कितने महीने तक चलता है, 6 महीने तक चलता है। और ओरिजिनल पोहा खाते हैं, जो अपन लोग शहर में खाते हैं पोहा, वो क्या है, पैकेट में आता है, और इनके यहाँ तो ओरिजिनल कूटा और बनाया और शुद्ध रहता है, सब कुछ ओरिजिनल है। इनके यहाँ सब्जी भी सब कुछ ओरिजिनल है। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और ये हमारे आपके यहाँ पोहा की रेसिपी बताई, ओरिजिनल रेसिपी नहीं बताई, बनता कैसा है एक्चुअल में वो बताया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।